अब तक सिर्फ शॉविक और सैमुअल मिरांडा, इन दोनों को यू नो इंटेरोगेट किया जा रहा था लगातार, लेकिन अब एनसीबी डायरेक्टली इंटेरोगेशन करेगी रिया चक्रवर्ती के साथ. जी हाँ, डायरेक्ट आमना सामना होगा और सवालों जवाब के सिलसिले शुरू होंगे. वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा. मैं हूँ ज्योति नाहक. बता दूँ आपको कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया पहले भी कि सैमुअल और शॉविक इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है, इनको कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने इस बात के ऑर्डर्स दे दिए हैं कि 9 सितंबर तक सैमुअल एंड शॉविक दोनों ही लोग एनसीबी के रडार पर रहेंगे, एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे, टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड 9 तारीख तक ये लोग रिमांड पर रहेंगे, यानी कि एनसीबी इनसे जब मर्जी तब चाहे पूछताछ कर सकती है. एनसीबी के साथ ही रहेंगे, उनकी कस्टडी के अंडर रहेंगे, घर नहीं जा सकते. अब मैं आपको बता दूं कि अब रिया चक्रवर्ती भी इस घेरे में आ चुकी है, क्योंकि अब रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब शुरू होने वाले हैं. एंड एनसीबी की जो टीम है, नार्कोटिक्स ब्यूरो, ये रिया चक्रवर्ती के साथ कल सवाल जवाब पूछने वाली है. जैसा मैंने बताया था कि आज एनसीबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, इसको होने के बाद नेक्स्ट नंबर रिया चक्रवर्ती का है. और अगर रिया अपने सवालों पर ठीक से जवाब नहीं दे पाई या उनके आंसर्स एनसीबी को कंफ्यूजिंग लगे और एक्सेप्टेबल नहीं लगे, बातें घुमाने टाइप्स अगर बातें लगी, तो फिर डेफिनेटली रिया चक्रवर्ती पर भी एक्शन लिया जाएगा एंड उनको भी अरेस्ट किया जाएगा. सो क्या कुछ अब आपकी राय है इस पर, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में.